नमस्कार दोस्तों, आज का इस टॉपिक में मैं आप लोगों से एक ऐसे टॉपिक को लेकर बात करने वाला हूं जो हर एक भारतीय नहीं बिल्कुल हर एक इंसान के लिए ज़रूरी है। तो आज का जो टॉपिक है ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हम देख रहे हैं, टीवी में देख रहे हैं, हम डिबेट में देख रहे हैं और अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर देखा जा रहा है कि आज देश के अंदर में केवल भड़काऊ भाषण, धर्म अधर्म और दंगे प्रसादों की ही चर्चा चल रही है। इसके वजह से मैंने सोचा कि आपको जाति धर्म सबसे पहले आपकी इंसानियत आती है। क्या आप में इंसानियत नहीं बची है? आपकी इंसानियत खो गया है क्या? आपको मालूम नहीं कि आप एक इंसान हैं? आप किसी भी जाति और किसी धर्म में जन्म लेने से पहले आपको भगवान ने इंसान बनाया था और आप एक इंसान हैं और इस चीज़ों को समझना चाहिए आपको। अगर आप इंसानियत खो रहे हैं धीरे धीरे, इसका मतलब कि आप में और पशुओं में कोई अंतर नहीं रहेगा। तो हम चलते हैं सीधे वो टॉपिक पे जिस टॉपिक का शुरुआत हमने शुरुआत में किया था। तो हम सबसे पहले जानेंगे कि आखिर जब मानव जन्म लेता है वो एक इंसान के रूप में जन्म लेता है और उसे बोलते हैं हम इंसानियत। तो हम सबसे पहले इंसानियत अगर हम निकाल देते हैं तो वह एक जानवर बन जाता है। अगर हम अपने अंदर का इंसानियत निकाल दें तो उसमें इंसान का कोई भी गुण नहीं रह गया, फिर वो एक जानवर हो गया। इसलिए सदैव यह कोशिश करना चाहिए कि हम इंसान होने के नाते इंसानियत का महत्व देना प्रारंभ कर दें। इंसानियत का महत्व फिर से जागृत करने हेतु हमें एक दूसरे को आगे बढ़ने की ज़रूरत है। मानवता का नाश करके व्यक्ति खुद अपना ही नाश कर रहा होता है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हमारे देश में अलग अलग जगहों पे दंगे फसाद, लोग एक दूसरे के लिए एकदम मारने के लिए उतारू हो गए हैं। मुसलमान ये सोच रहा है कि मैं हिंदू को मार दूं, हिंदू ये सोच रहे हैं मुसलमान को मार दूं। लेकिन उन्हें ये चीज़ों को समझना होगा कि आप हिंदू और मुसलमान से पहले आप एक इंसान हैं। आपको पता है हमारे देश के ये जो बड़े बड़े राजनीतिक हैं, राजनेता हैं, वो बोलते हैं कि हम बहुत महान हैं, लेकिन उनको मैं बताना चाहता हूँ कि महान बनने से पहले व्यक्ति को एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है और वो इंसान को बर्बाद कर रहे हैं, वो इंसानियत में फूट डालने का काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति मानवता को सेवा नहीं कर सकता है वह ईश्वर का भी आराधना करने का लायक ही नहीं है। जो लोग ये बोलते हैं कि मेरा ये भगवान है, मेरा ये गॉड है, मेरा ये अल्लाह है, लेकिन इससे पहले वो इस चीज़ को ध्यान नहीं रखते हैं कि उनके अंदर में एक इंसानियत भी है। धर्म के नाम पर अपनी मानवता को त्याग करने वाला व्यक्ति शायद भूल जा रहा है कि वो व्यक्ति में भी एक इंसान है। और जिस व्यक्ति को आप मार रहे हैं, जिस व्यक्ति के प्रति आपकी गुस्सा है, वो भी एक इंसान है। आपका कोई भाई है, आपका कोई चचा है, आप अगर नहीं अगर उग्र होते हैं उससे पहले आपका सब लोग भाईचारा होता है, आपका पड़ोस होता है, पड़ोस वाले होते हैं। लेकिन जिस व्यक्ति में इंसानियत का एक भी गुण नहीं पाया जाता वह व्यक्ति ना चाहकर भी इंसान कहलाने के लायक नहीं कहा जाता। दूसरे पर दया करके उनकी सहायता करने वाला व्यक्ति ईश्वर भी समान करता है। लेकिन अगर आप ये सोचते हैं कि हम केवल हिंदू मुसलमान और सिख ईसाई का राजनीतिक करके अगर इंसानियत अगर अपने अंदर में हम दिखाना चाहते हैं तो ये बिल्कुल ही गलत है। लोगों को ये समझना पड़ेगा कि आप लोगों को ये गुमराह किया जा रहा है, क्योंकि इंसानियत के आपका जो प्लेटफॉर्म है उससे भटकाया जा रहा है। आपका जो अंदर का जो एक शुद्ध हृदय है उसमें अश्लीलता का भाव भरा जा रहा है। इंसानियत शब्द की असल परिभाषा तो वह है, वह व्यक्ति ज़्यादा जानता है जो इंसानियत निभाने में अपना धर्म मानता है। लेकिन आपको मैं बता दूं कि कोई भी नेता इंसानियत निभाता कहाँ है, इंसानियत दिखाता है कि मैं इंसान हूँ और इंसानियत लोगों के अंदर मैं जागृत करता हूँ, लेकिन ये बिल्कुल ही झूठ है। आज हर व्यक्ति पैसों के लालच में इतना गिर गया है कि वह उनके चलते अपनी इंसानियत ही खो बैठता है और पैसे के लालच में इतने लोग गिर गए हैं कि लोगों को अपने राजनेता को चुनने वक्त ही ये ध्यान नहीं रहता है कि वो अपना देश को चलाने वाले एक शख्स को चुनना है, ना कि
पैसा से खरीदने वाला एक ठेकेदार को। ये चीज़ को आपको भी समझना पड़ेगा। ये जो लोग हैं, लोगों को राजनेता गुमराह कर दिए जाते हैं। जो व्यक्ति अपने अच्छे गुणों को तारीफ कर रहा होता है, उसे जरा कभी आप पूछना, उस नेता से आप कभी ये पूछना कि उसे इंसानियत के नाते आज तक उसने क्या किया है, किसी इंसान का मदद किया उसने, उसने इंसानियत के नाता देश के बारे में कुछ सोचा, तो उससे अंदर से आवाज़ आएगी कि वो कतापी नहीं। जो लोग जाति के नाम पर भेदभाव करते हैं, वह मुसीबत के वक्त उनसे सहायता लेने से नहीं कतराते हैं। मैं एक बात को बात क्लियर कर देना चाहता हूँ। जो लोग आज दंगे फसाद में एक दूसरे को मारने के उतारू हो रहे होते हैं, जब वो लोग एक संकट में पड़ रहे होते हैं, उनके देह पे संकट आ गई होती है, तो ये डॉक्टर के पास जाने के लिए वो नहीं देखते कि डॉक्टर हिंदू है या मुसलमान है। जो गाड़ी में बैठ रहे होते हैं, वो हिंदू है या मुसलमान है। लेकिन दंगा और प्रसाद एक कानों में झूठा शब्द भरा हुआ देवी देवताओं और आपका अल्लाह अकबर के नाम पर ये लोगों को मारने का काम किया जा रहा है। जब कोई व्यक्ति अपने औकात से ज़्यादा कमाने लग जाता है ना, वह इंसानियत ही समझ भूलने लग जाता है। जैसे आज राजनेता लोगों को लगती है कि हमारे पास पावर हो गया, जैसे ही जिसको पावर ज़्यादा लगता है, अब मेरे पास ज़्यादा पावर है, उस पावर का दुरुपयोग करने लग जाते हैं। आपको इस चीज़ों को ध्यान रखना होगा, क्योंकि ये जो आप पावर जिसके हाथ में देते हैं आप या देने वाले हैं, उसमें इंसानियत को ज़रूर आप देखना। वह व्यक्ति अपने जीवन में सबसे ज़्यादा खुश रहता है जो इंसानियत के नाते सबकी सहायता करता है। जिस व्यक्ति में इंसानियत जिंदा नहीं होती, वह एक मृत शरीर का समान हो जाता है। किसी व्यक्ति की इंसानियत तो उसी समय खत्म हो जाती है जब वह दूसरे व्यक्ति को दुखी देख खुश होने लगता है। आपको मैं बता दूं, आज देश में मुसलमान अगर मरते हैं तो हमारे हिंदू भाई लोग खुश हो जाते हैं। जब मुसलमान लोग मरते हैं तो हिंदू खुश होते हैं, और जब हिंदू मरते हैं तो मुसलमान खुश होते हैं। हर दिन गिर रहा है व्यक्ति की इंसानियत का स्तर, मैं क्या बताऊँ आपको। वह कहता है कि हम तरक्की पर हैं, वो बोलता है कि हम देश को तरक्की पे लेके जा रहे हैं। मैं सीधे तौर पे उनको बता देना चाहता हूँ, आप देश की तरक्की कभी नहीं, उस देश की तरक्की कभी नहीं किया जा सकता है जिस देश में दूसरे लोग एक खून के प्यासे हो। उस देश में आपको स्वामी विवेकानंद की वचनों का याद रखना चाहिए, वो भी एक हिंदू धर्म में जन्मे थे, लेकिन वो कभी भी इंसानियत को पीछा नहीं छोड़ा। उसमें इंसानियत जिंदा था। उस व्यक्ति का दर्जा समाज में हमेशा ऊंचा रहता है जो मानवता की भलाई का हमेशा कार्य करता है। आप अगर कोई भी नेता बनते हैं, अगर आपने लोगों ने चुना है, तो आप ये मत भूलें कि आपकी मानवता और आपकी इंसानियत लोगों की भलाई करने के लिए है। आपका कार्य ही लोगों का भलाई है। आपको लोगों में भड़काऊ भाषण देने के लिए नहीं कहा गया है, आपको जनता ने चुना है आपको एक दूसरे को एक साथ लेकर चलने के लिए। यहाँ पर हर व्यक्ति एक दूसरे की जान का दुश्मन बन बैठा है, शायद वह अपनी इंसानियत ही खो बैठा है। मैं क्या बताऊँ आपको, आज तो हर एक व्यक्ति का इंसानियत बस इतनी सी है कि वह एक व्यक्ति से प्रेम का भाव ना रखकर स्त्रिया का भाव रखना ज़्यादा पसंद कर रहा है। वह हिंदू है और वह मुसलमान है। मैं आपको इस वीडियो में जो भी मैंने बात बताया हूँ, एक दिल से एक गरीब इंसान, एक इंसान का निकला हुआ लफ्ज है। मैं आपको बता दूं, अगर आपको ये वीडियो जरा से भी अच्छा लगा, अगर आपके लिए कुछ इसमें से एक वर्ड भी अगर अच्छा लगा होगा, तो आप इस वीडियो को हर एक लोगों तक पहुंचाने का कोशिश करिएगा। जो लोग उग्र हो चुके हैं, जो लोग आज एक दूसरे का ज़िंदगी के प्यासे बन बैठे हैं, तो चलिए और मैं इसी तरह का आप लोगों को इंसानियत और आपको एक इंसान बनाने का कोशिश करूंगा। बाकी मिलते हैं माँ को। जय हिंद, जय भारत।